भी इंटर का रिजल्ट देख लिए हैं, दोस्तों आप भी अगर इंटर के स्क्रूटनी का रिजल्ट देख लिए हैं और आपको भी अगर तीन चीज़ें पता है, आपका भी रिजल्ट अवेटिंग आ रहा है या नो चेंज आ रहा है, तो इन दोनों बात को आपको सही से समझना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपका जो रिजल्ट स्क्रूटनी का रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया है, जिनके मार्क्स बढ़े हैं उनके तो मार्क्स वहाँ पर शो हो रहे हैं, लेकिन जिनके मार्क्स नहीं बढ़े हैं और वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है नो चेंज, इसका मतलब है कि आपके कोई भी मार्क्स नहीं बढ़े हैं। मैंने आपको तीन चीज़ बताया था कि अगर आपका मार्क्स बढ़ भी सकता है, अगर आपने कुछ उसमें मतलब कि उनको कॉपी जाँच करने में अगर कुछ गलतियाँ होंगी हुई होंगी तो वो जो है उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब मार्क्स बढ़ेगा। अगर जो है कोई चेंज नहीं है हुआ है, इसका मतलब कि कोई भी यानी कि आपके कॉपी जो है ठीक ठाक जांची गई है, ठीक है दोस्तों। तो ये दो चीज़ें, तो पहली बात समझ लीजिए, नो चेंज का मतलब है कि मार्क्स जो है आपका कहानी ख़त्म हो चुका है, अब जो है मतलब कि अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अब सिर्फ आपके पास सिर्फ एक ही चारा है, वो है कंपार्टमेंटल। अगर आपने कंपार्टमेंटल भरा हुआ है इसका मतलब है कि आप जो है आपको कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसमें जो है आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेगा, वही एक सहारा है पास करने का इस साल। फिर अगले साल आप जो है फिर मतलब कि मैट्रिक का एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि 2022 में बस आपको सिर्फ कंपार्टमेंटल ही देना पड़ेगा। अगर किसी का लिखा हुआ है नो चेंज, अगर किसी का अवेटिंग लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि अभी पूरी तरह से अपडेट नहीं हुआ है रिजल्ट की, वो जो ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसका बिहार बोर्ड का, उसको आपको डेली चेक करना है और मतलब कि बार बार चेक करना है ताकि आपको पता चलेगा कि आपको बार बार चेक करना है, पता करते रहना है कि आपका मार्क्स बढ़ा कि नहीं, ठीक है। अवेटिंग मतलब होता है कि अभी उस पर काम चल रहा है, अभी पूरी तरह से आपको डिक्लेयर नहीं हुआ रिजल्ट, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो तीन चीज़ मैंने बता दिया, जिसका बढ़ गया तो मिठाई खाएंगे, और जिसका जो है नहीं बढ़ा उनके पास कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम है, और तीसरा जिसका जो अवेटिंग आ रहा है उनको रिज़ल्ट चेक करते रहना है ताकि उनका जो है रिज़ल्ट पब्लिश कभी भी हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जो है इस चैनल पे मैं आपको आपके रिगार्डिंग बिहार बोर्ड के रिगार्डिंग अपडेट देता रहता हूँ, तो इस चैनल पर ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मिलती रहती है, ठीक है दोस्तों। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई नया अपडेट आए तो आपको जल्दी से पहुँचे, क्योंकि आपको अगर बिहार बोर्ड का जो भी अपडेट है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपका जो है नॉलेज बढ़ेगा।